आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की तरफ से भी प्रतिक्रिया आज सामने आई है। कल नगीना के अंदर एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आकाश आनंद ने बिना नाम लिए चंद्रशेखर आजाद पर जमकर निशाना साधा। चंद्रशेखर आजाद को युवाओं को भड़काने वाला, युवाओं पर मुकदमे लगाने वाला, इस तरीके के कई सारे गंभीर आरोप लगाए, जो कि आप वीडियो है उनका काफी ज्यादा सर्कुलेट सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर आपको होता नजर आएगा। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के द्वारा ये वीडियो वायरल होने के बाद चंद्रशेखर आजाद से भी एक मीडिया चैनल ने ये तमाम सवाल पूछे थे, लेकिन उन्होंने इन मामलों के अंदर किसी भी प्रकार की कोई चर्चा करने के बजाय उन्होंने साफ कर दिया कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के नक्शे कदम पर ही वो आगे चल रहे हैं और बहन जी का ही उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले नेताओं की जो गलतियां हुई है उन गलतियों को देख कर ही मैं सीख रहा हूं और उनकी गलतियों को सुधार करने की कोशिश कर रहा हूं। चंद्रशेखर आजाद ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में आकाश आनंद के द्वारा दिए जा रहे इन बयानों के सरकार की कोई टीका टिप्पणी करने से इनकार करते हुए साफ कहा कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी का ही उन्हें आशीर्वाद है। एक तरीके से देखने की कोशिश करें तो चंद्रशेखर आजाद ने इन तमाम आरोपों को सिरे से नकार दिया और इन बारे में किसी भी प्रकार का कोई जवाब देने से बेहतर यही समझा कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है और नगीना के अंदर वो जोर शोर से जुटे हुए हैं। नगीना की जनता उन्हें प्रेम करती है और नगीना की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि बाकी किसी नेताओं के बजाय चंद्रशेखर आजाद ही ठीक है, तो यहां पर चंद्रशेखर आजाद ही चुनाव लड़ेंगे। दरअसल नगीना के अंदर आकाश आनंद अपने प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह मेनवाल के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। अभी तक की बात करें तो नगीना के अंदर सुरेंद्र मेनपाल सिंह है वो ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन आकाश आनंद के सभा करने के बाद मीडिया में और तमाम जगहों पर उनकी चर्चा काफी तेजी से हुई। आगामी आने वाले दिनों में बिजनौर क्षेत्र में बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी की भी रैली होने वाली है, तो देखना दिलचस्प होगा कि चंद्रशेखर आजाद इन तमाम प्रक्रियाओं पर क्या किस प्रकार से रुके वो करते हैं। साथ ही बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी की जिस दिन बिजनौर के अंदर रैली होने वाली है वो चंद्रशेखर आजाद को लेकर क्या कुछ कहने वाली है, ये भी देखना बहुत दिलचस्प।